नमस्ते। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कढ़ी की रेसिपी। वैसे तो हमारी थाली में कढ़ी चावल रोटी है, लेकिन आज स्पेशली हम कढ़ी बनाने वाले हैं। और कढ़ी जिस तरीके से हमने बनाया है ना, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके घर में सभी लोग उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। ये जो कढ़ी मैंने बनाया है इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं है और मसाले भी नहीं है। बिना मसाले के इतनी टेस्टी कढ़ी बनी है कि आप मानने को तैयार हो जाएंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको कढ़ी बनाना सिखाया है। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। चावल सबसे पहले हम धुल लेंगे। चावल बनाने के लिए चावल को तो धुलना ही पड़ता है, और हम दो ही लोग हैं तो दो लोग के लिए ये देखो इतना एक बाउल में हो जाता है। और वैसे भी चावल तो हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन आज ना आज हम बना रहे हैं हमारा फेवरेट कढ़ी। तो चावल तो हम खाएंगे ही, लेकिन पति देव ज़्यादा चावल खाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में आपके पति या घर में कौन सबसे ज़्यादा चावल खाता है। हमारे यहाँ तो हमारे पति देव ही खाते हैं। ये लाइटर तो हमारा ख़राब हो गया है, भूल गए हैं कि लाइटर हमने ख़राब कर दिया है। तो हमने चावल चढ़ा दिया है, चावल हमारा बन जाए तक एक तरफ चावल बनेगा और दूसरी तरफ हम बनाएंगे कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने क्या क्या तैयारियां की हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारी कढ़ाई। कढ़ाई में हम बनाएंगे, दो ही लोगों के लिए बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़े से कढ़ी में हो जाएगा। कढ़ी के लिए हमने बनाया है बेसन, मतलब हमने बेसन फेंट लिया है ये देखिए। और इसमें है हल्दी, हमने घोल के रखा है, ये मेथी और ये है मिर्च। ज़्यादा तीखा खाते नहीं इसीलिए है। तो भाई ये जो हम कढ़ी बना रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं लगेगा, ज़्यादा तेल नहीं लगेगा, लेकिन स्वाद बहुत ज़्यादा आएगा। तो चलो फिर फटाफट हम गैस जलाते हैं और अपना कढ़ी बनाते हैं। तो भाई जो हमारा कढ़ी बनाने का तरीका है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ कढ़ी और बूंदिया बोलते हैं, मतलब हमारे रायबरेली में। तो कढ़ी जो होती है उसमें फुलौरी बना के डालते हैं, और बूंदिया जो होती है उसमें बूंदी छानते हैं। जैसे कि बूंदी बनाने वाला आता नहीं है वैसे ही, जैसे ये हम इसमें छान लेंगे। तो आज हम बूंदी नहीं छानेंगे, हम कढ़ी बनाएंगे, बूंदिया नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। और देखो हमारा चावल होने वाला है, ये हमारा तेल गर्म हो गया है। और इसमें अब हमारा जो बेसन है इसकी हम फुलौरी बनाएंगे। फुलौरी किसके किसके यहाँ इसको फुलौरी बोलते हैं, किसके यहाँ पकौड़ी बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ हाँ, और ये जो बेसन है ना, बहुत सारे लोग इसमें प्याज काट के डाल देते हैं, उसकी पकौड़ी बना के फिर उसको डालते हैं कढ़ी में, लेकिन हमारे यहाँ सादे बेसन का बनता है तो हम वैसे ही बनाएंगे। इसमें नमक पड़ा है। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हमको बनाना है फुलौरी। वैसे तो हम चम्मच से बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे अपने इन सुंदर सुंदर हाथों से। और ये फुलौरी फूलना चाहिए तभी इसको फुलौरी बोलते हैं। ये देखो मस्त फूल रहा है, क्योंकि हमने बेसन ना काफ़ी टाइम पहले फेंट के रख दिया था, लगभग 30 मिनट पहले। और बस ये शेप अच्छा अच्छा बन जाए, बस मतलब गोल गोल एकदम बनना चाहिए, कुछ तो खराब हो ही जाते स्टार्टिंग में। खुशबू आ रही है, सरसों के तेल। हाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी फुलौरी बना रहे हैं तो आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, नहीं तो आपकी फुलौरी ना अच्छी नहीं बनेगी। मतलब कढ़ी जैसे फुलके होते हैं वैसे फुलौरी होती है। देखिए इधर आइए दिखाते हैं, ये देखिए हमारे जो फुलौरी है कितने बढ़िया फूले फूले बने। जब इनको हम कढ़ी में डालेंगे ना तो इसके अंदर वो हो जाएगा और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अभी देख के हमारे मुँह में पानी आ रहा, कितनी जल्दी बन जाए और हम खा लें। इसी के साथ हमारा चावल हो गया, एक सीटी मार दिया चावल हो गया, बस हम फटाक फटाक बना लें। भाई किसको किसको मुंह में पानी आ रहा कढ़ी देख के, कमेंट करके बताइए। हमारी फुलौरी हो गई है, इसको हम ऐसे दबाएंगे ना, बहुत स्पंजी बना है। बट इसको आप थोड़ा सा कम ही पकाइएगा, ज़्यादा मत पकाइएगा, हमारी थोड़ी ज़्यादा लाल हो गई, अगले वाले में हम ध्यान रखेंगे। इसको हल्का पकाना है, एकदम हल्का पकाना है। और ये देखो कितना मस्त बना है। और कढ़ी जो है गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। हमको याद है जब हम छोटे छोटे थे, हम लोग के यहाँ शादी में स्पेशली जब लड़की की शादी होती है बारात के एक दो दिन पहले, उसमें तेल और मायन के दिन कढ़ी बनती है। और जब आम का सीजन होता है तो इसमें आम डालते हैं, क्या मस्त कढ़ी बनती है। और लड़के के शादी में, उसके शादी में भी मायन वाले दिन, मतलब बारात के एक दिन पहले। तो भाई हमारी फुलौरी बन गई है, ये देखो मस्त बनाए, बढ़िया एकदम। देख रहे हो कितना स्पंजी बना है, ऐसे ही बनना चाहिए।
अब हमने जो इसमें ज्यादा तेल था उसको निकाल दिया है, बाकी अब हमको लगाना है तड़का। सबसे पहले हमको चाहिए मेथी, मिर्चा और हल्दी जो है इसको हमने पानी में घोल लिया है, क्योंकि हम इसको हल्दी को पानी में घोल के डालेंगे, और जो हमारा बचा हुआ बेसन है ना उसको हम पूरा घोल लेंगे। अगर आपको लगता है कि कम है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला लीजिए। तो हमको दो ही लोग के लिए बनाना है, बट हल्का सा मिलाएंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही, आपके घर में जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। और इसमें मेन क्या होता है कि आप जितना अगर बेसन ज़्यादा कर देंगे ना तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। ये अभी बेसन घुल जाएगा थोड़ी देर में, तब तक हम अपना तड़का मारते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको डालना है मेथी, हमारी मेथी चटकने लग जाएगी, तो हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। ये मिर्च हम बाद में निकाल लेते हैं, मतलब इसमें से निकाल लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे तीखा कैसे होगा, फिर तीखा हो जाएगा, हम आपको दिखाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें मिर्च, बहुत चटकती है भाई मिर्च, मिर्च दूर से ही डालो। ये देखिए हमारा मिर्च हो गया ना। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने हल्दी घोल के रखी है, एक कटोरी, एक चम्मच हल्दी आप घोल के रखिए, और आप डालना है आप अगर कढ़ी बना रहे और हल्दी डालने के बाद अगर आपको खांसी नहीं आई तो सोचिए आपकी कढ़ी अच्छी नहीं बन रही। हमारी कढ़ी अच्छी बन रही, अब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हम क्या ही बताएं। अब इस टाइम पे अगर आपके पास खटाई है, जो खटाई बनता है आम को छील के सुखा के, तो वो डाल दीजिए। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो बहुत सारे लोग जो बेसन हमने पानी में घोला है ना, इसको दही या मट्ठे में घोलते हैं, आप उसमें घोल के डालिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अचार डाल सकते हैं, जो हमारे पास अचार है। अब हम इसमें अचार डालेंगे, और ये देखिए बढ़िया बढ़िया से यह बॉयल होने लग गई। जब तक ये हमारा बॉयल होगा हम इसको धीमा कर देंगे, हमारा हल्दी पकेगा, तब तक हम अपने बेसन को अच्छे से घोल लेंगे। जितना अच्छे से घुल जाएगा उसके बाद उतना अच्छा बनेगा। देखिए थोड़े थोड़े बेसन इसमें रह गए ना, तो ये बाद में फिर कच्चा रह जाता है, तो बेसन एकदम से घुल जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए हमारा जो हल्दी वाला पानी अच्छे से पक गया है अभी, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा बेसन का घोल। ऐसे बेसन का घोल हमने डाल दिया है, अब इसके अंदर हमको कुछ भी नहीं ऐड करना है। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप बेसन का घोल ऐड करते हैं ना, अगर बेसन ज्यादा होगा तो वो तुरंत जम जाएगा इस टाइम पे जब आप इसमें ऐड करेंगे। तो हमने बिल्कुल पतला रखा है और हम सिर्फ दो लोगों के लिए कढ़ी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ही बना रहे हैं, तो आप इस चीज का ज्यादा ध्यान रखिएगा कि आपकी कढ़ी बहुत ज्यादा गड्ढी ना हो जाए। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक डाल के इसको ढक देंगे, ये पकेगी। उसके बाद हमारा चावल बन चुका है, अब हम रोटी बनाएंगे। रोटी के लिए तवा चढ़ाते हैं। देखिए हमने इसमें नमक ऐड किया है, लेकिन हमने पानी कम डाला था, तो हमारा जो कढ़ी है ठीक हो गया। तो अभी इसको पकने में ना टाइम लगेगा, अगर आप इस टाइम पे ज्यादा पानी नहीं डाले रहेंगे तो इस टाइम पे आपकी कढ़ी एकदम से जम जाएगी। तो अभी हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे और इसको ढक देंगे जिससे ये पक जाए अच्छे से। ये देखिए हमने पानी ऐड किया है, और इसको अब हम गैस अपना जो है एकदम धीमे कर देंगे, मतलब फ्लेम एकदम स्लो करके, और इसको ढकेंगे पकने के लिए। तो वही रोटी हमारी बन गई, अब हम अपनी कढ़ी देख लेते हैं। देखिए हमारी कढ़ी भी ऑलमोस्ट पक गई है, देख रहे हैं इसमें ये बूंदी बूंदी जैसे हो गए ना चारों तरफ, तो इससे पता चलता है कि हमारी कढ़ी जो है वो पक गई है। देखिए अच्छे से पक गई है। अब हमको क्या करना है, हमने बोला था ना जो हम इसमें मिर्ची अंदर डाल रहे हैं उसको हम निकाल लेंगे, तो इसमें जो मिर्ची है अब हम उसको छानेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मिर्ची हम छान क्यों रहे हैं, तो वो हम आगे आपको बताते हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा। और अब ये ठंडा भी हो गया है, तो अब हमको इसको ऐसे हाथ से मसलना है, मतलब जो इसमें पूरी मिर्ची है पूरा इसको ऐसे क्रश कर देना है। देखो हो गई ना ऐसे, तो देखिए हमने इसको क्रश कर लिया है। अब हम छन्नी से इसका पानी इसके अंदर डाल देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या होगा अब हम आपको बताते हैं, इससे ये होगा कि जो मिर्ची का तीखापन है वो हमारे कढ़ी में आ जाएगा। तो भाई अब हम अपनी फुलौरी इसमें डाल दे रहे हैं, और इस टाइम पे डालने के बाद इसको हम फिर से ढक देंगे जिससे कि हमारे फुलौरी के अंदर भी जो कढ़ी है ना इसके अंदर भर जाए और खाने में और भी टेस्टी लगे। देखिए हमने डाल दिया है, एक बार चलाएंगे और अब हम इसको ढक देंगे।
5 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो जी हमारा खाना बनके तैयार हो गया है, अब हम चल रहे हैं खाने के लिए। भाई देखो कढ़ी जो बनता है वो तो मेन खाया जाता है चावल से, तो हम चावल से ही खाएंगे। वैसे चम्मच से नहीं खाया जाता, हाथ से ही खाया जाता है, तब ज़्यादा मज़ा आता है। क्या मस्त फीलिंग आ रही है भाई कढ़ी खाने की। वाह, ऐसा लग रहा है कई सालों के बाद खाने को मिला।